एंड वेलकम टू मालूका आईएएस। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज अटल इनोवेशन मिशन इज सेट अप अंडर हुम। सो कितना भी मैं स्ट्रेस कर लूँ इस बात को कि रिपोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट, स्कीम्स आर इम्पोर्टेंट और उनको उसी तरीके से हमें करना है। वन ईयर का देखिए, रिपोर्ट तो हर साल जैसे आती रहती हैं तो वो एनुअली होता है, तो वो तो वन ईयर के करंट अफेयर में कवर हो जाता है। स्कीम्स का क्या है कि वन ईयर का स्कीम एंड वन ईयर बिफोर का स्कीम, वो दोनों टू ईयर स्कीम्स जो हैं वो करनी होती हैं हमें कवर। सो दे आर सेइंग कि अटल इनोवेशन मिशन अब वही है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं तो नहीं। इनोवेशन है तो कोई सोच ले कि क्या साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगा, ठीक है। ये भी सोच सकते हैं स्किल डेवलपमेंट से होगा, बट द आंसर इज नीति आयोग। इसमें मैं एलिमिनेशन टेक्निक हम नहीं फिट कर सकते, नॉलेज आता है तो करेंगे वरना अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। सो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, जो अटल इनोवेशन मिशन है नीति आयोग ने इनोवेटर्स को हेल्प करने के लिए किया था, जिसमें कि उनको अगर आपका टेक्निक हमें अच्छा लगता है या आपने इनोवेशन किया है, रियली आपने कुछ टेक्निक्स को अमर्जिंग टेक्निक्स को प्रमोट किया है, तो आपको किसी तरीके से अवार्ड प्राइज दिया जाएगा, आपको अदर वेज के थ्रू जो है प्रमोट किया जाएगा, तो ये सब कुछ इंक्लूडेड था। अब मैं आपको बता दूं कि सीसेट का कोर्स आदित्य सर करवा रहे हैं, ये हमने कोर्स लॉन्च किया है, 2 मंथ्स की ड्यूरेशन में कोर्स आता रहता है, तो आप जल्दी से इनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज सेइंग अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। अब हमें नहीं पता, ठीक है, अगर पता होगा तो अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपेलेट बोर्ड। सेकेंड स्टेटमेंट के साथ कुछ किया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग इंडिया में कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपेलेट बोर्ड नहीं है। अब मुझे बताइए, काम हमारे यहाँ हो या ना हो, बट बॉडीज, बोर्ड, कमीशन, कमेटीज, ये तो हम भरपूर बनाते हैं, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब दूसरा मैं क्या बताना चाहती हूँ कि देर इज़ अ पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट में एक लीगल बैकिंग है, जो वो लीगल बैकिंग है इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस बात का गारंटी है कि लीगल बैकिंग की वजह से जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज, जो भी डिस्प्यूट्स हो जाती हैं, उसको हैंडल करने के लिए अपेलेट बोर्ड तो बनाया ही होगा। अपेलेट जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो होती ही हैं। सो मिनिमल चांस है कि ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब क्या था ये, 2। हम आ गए किस कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन, दैट इज सेइंग 50-50। नेक्स्ट इट इज सेइंग प्लांट वेराइटीज। अब देखिए, या तो थर्ड अकेला राइट होगा या तो वन और थर्ड दोनों राइट होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बताना है क्या, हमें बताना है करेक्ट। ओके, कलर चेंज करते हैं। सो दे आर सेइंग प्लांट वेराइटी दे आर नॉट एलिजिबल टू पेटेंटेड इन इंडिया। स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्लांट वेराइटी एलिजिबल नहीं है, मीन्स आप अपनी तरफ से कोई एक प्लांट की वेराइटी क्रिएट करके आप ये नहीं बोल सकते मुझे इसका पेटेंट चाहिए। देर इज समथिंग विच कैन नॉट बी पेटेंटेड, मीन्स कि एक हर आप ये बोल सकते हो कि फार्मिंग के एक मेथड को, अगर वो मेथड आपने जनरेट किया है तो आप उस मेथड को पेटेंट नहीं करवा सकते। ऐसे ही आप किसी एक प्लांट वेराइटी को पेटेंट नहीं करवा सकते। अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट इन्होंने बोली है और थर्ड दोनों में है, इसका मतलब ये करेक्ट है। अब क्योंकि ये करेक्ट है इसीलिए
अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। हम देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट ए बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। अब मुझे बताइए, जब प्लांट वेराइटी को पेटेंट नहीं किया जा सकता और थर्ड स्टेटमेंट 100% राइट है, तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट उसको कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर रही है? खुद से पढ़िए, बताइए क्या वो कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर रही? जब आप किसी प्लांट वेराइटी को ही पेटेंट नहीं करवा सकते, तो आप सीड वेराइटी को कैसे करवा लोगे? प्लांट कहाँ से बनेगा? सीड से बनेगा ना। तो जब सीड प्लांट को नहीं करवा सकते, सीड को कैसे करवा लोगे? इसीलिए जो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। हमारा आंसर हो जाता है सी, 3 ओनली। ठीक है, सो 3 ओनली इज द राइट आंसर। अब नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016 आई थी, दे शिफ्टेड वर्ड द कॉपीराइट ऑफिस एंड इट्स स्टेट्यूटरी बॉडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपेलेट बोर्ड फ्रॉम एचआरडी मिनिस्ट्री टू कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो ये न्यूज़ में था, इसीलिए ये क्वेश्चन आया। और आया भी कैसे, जब उन्होंने अपेलेट बोर्ड को एक स्टेट्यूटरी बॉडी से दूसरी मिनिस्ट्री में ट्रांसफ़र किया है, इसीलिए अपेलेट बोर्ड न्यूज़ में था और उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। बट हमने कैसे किया, एलिमिनेशन से। अब 50-50 स्टेज पर आ गए, तो ए और सी के बीच में चूज़ करना है। जो इंडियन पेटेंट एक्ट है, ये बोलते हैं कि इन्वेंशन जो है जिन्हें हम पेटेंट नहीं करवा सकते, वो है प्लांट और एनिमल्स इन होल एंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग द सीड्स, द प्लांट वेराइटी, द प्लांट स्पीसीज। ठीक है, सो द प्लांट सीड्स, द प्लांट वेराइटी, प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, इनको पेटेंट नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं बता दूं कि कोर्स जो है हम लॉन्च करने वाले हैं, क्रैश कोर्स होगा ये। इसके जो फीचर्स जो हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो जल्दी से इनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इट इज सेइंग एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल 2018 इज सेइंग इफ रूल्स फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट दे आर इम्प्लीमेंटेड इट बिकम ईजियर फॉर द फर्म्स और द कंपनीज टू ले ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट, नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन केस ऑफ टेम्पररी वर्कमैन। देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हैं। अब वही, अगर ये बिकॉज अगर आपने ये इसके बारे में पढ़ा है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में, तो आप अच्छे से कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो उसमें ये था कि अगर आपने शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर कोई काम जो है वो लिया है, तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट लाइक एडहॉक है, टेम्प्रेरी बेसिस पे है, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंड होता है, कंप्लीट होता है, तो आप उसके बाद जो है अपने एम्प्लॉयर से ऐसे आप उसको लायबल नहीं ठहरा सकते कि अब भी उनको आपको काम देना पड़ेगा। मीन्स कि उन्हें किसी भी तरीके के नोटिस ऑफ टर्मिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है, आपने एज ए एम्प्लॉई उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम करना शुरू किया है, ठीक है। सो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, कंप्लीट होगा, तो आपका जॉब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ अटैच था, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, आपका जॉब भी वहाँ से चला जाएगा। तो आपके एम्प्लॉयर को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको नोटिस देने की ज़रूरत है कि अब आप का हमारे साथ एसोसिएशन खत्म होता है, ठीक है, ये नहीं करती। सो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, एंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, ठीक है। कुछ चीज़ें देखिए, कुछ फैक्ट्स की तरह होता है, फैक्ट्स की तरह रटना पड़ता है। देर इज समथिंग जिसमें हम लाइक एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फैक्ट्स की तरह है, उसी तरीके से करना पड़ेगा। सो सी इज द आंसर। यहाँ पे जो है इन्होंने बोला हुआ है कि उन्हें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट था, तो उन्हें किसी भी तरीके के नोटिस की ज़रूरत नहीं है, टर्मिनेशन के लिए भी, और किसी भी तरीके के इंटाइटलमेंट जो वो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद। फाउंडेशन कोर्स आ रहा है 23-24 के लिए, तो गारंटीड प्रीलिम्स होगा, अशोर्ड मेंस होगा, तो जल्दी से आप इनरोल कर लीजिए। फीचर्स जो है आप इसके स्क्रीन पर जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
विद रेफरेंस टू इंडियाज 5-year प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब 5-year प्लानिंग हमने डिसकंटिन्यू कर दिया था व्हेन इन 2014, क्यों? क्योंकि हमने एक न्यू बॉडी क्रिएट की थी जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करेगी, दैट इज नीति आयोग। अब अगर आप अभी जैसे मेरे साथ साथ भी कर रहे हो तो उसमें भी हम ये इनपुट निकाल सकते हैं कि जो नीति आयोग है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितने ही क्वेश्चंस में आपने देखा होगा ना, या तो ऑप्शन में नीति आयोग होता है या फिर नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन ही होता है। लास्ट जो है हमने डिस्कशन में देखा था कि अटल इनोवेशन मिशन जो है वो किसके अंडर है, इट वॉज नीति आयोग। उससे भी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ये था कि इलेक्ट्रिसिटी टेली कम्युनिकेशन उस तरीके के जो सेक्टर हैं वहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी कौन है, वहाँ भी ऑप्शन में डाला हुआ था नीति आयोग। सो नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपका टाइम भी उसके ऊपर डिवोटेड होना चाहिए। सो प्लानिंग कमीशन भी कवर करना है, नीति आयोग को भी कवर करना है। सो अब जो है हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। प्लानिंग कमीशन में कुछ भी नहीं है, बस आपको एक बार याद हो गया ना कि 1951 से शुरू हुए थे, 5-5 ईयर का जो है टाइम पीरियड था, तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो। अब मुझे बताइए फर्स्ट प्लान कब होगा, 1951 to 56, नेक्स्ट 1956 to 61, थर्ड 1961 to 1966, फिर एक प्लान हॉलीडे हो गया था 1966 to 69 तक, फिर जो है फोर्थ प्लान 69 to 74, ठीक है। इस तरीके से ये प्लान्स चले थे। जो फोर्थ प्लान था आई थिंक इट वाज ऑफ 4 ईयर्स, नॉट ऑफ 5। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इट इज सेइंग फ्रॉम द सेकंड 5-year प्लान, कब से, यहाँ से, ठीक है, देयर वाज ए डिटरमाइंड थ्रस्ट, नहीं फोर्थ प्लान भी 5-year का ही था, यस इट वाज फिफ्थ प्लान फ्रॉम 1974 to 1978, यस दैट वाज ऑफ 4 ईयर्स, फिफ्थ प्लान वाज ऑफ 4 ईयर्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग फ्रॉम द सेकंड 5-year प्लान देयर वाज अ डिटरमाइंड ट्रस्ट टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। हमें पता है सेकेंड 5-year प्लान कब आया था, 1956 to 1961, ठीक है। अब मुझे बताइए इंडिया चाइना वॉर जो है वो कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, 1962 में। तो अब वॉर एकदम से शुरू तो नहीं होता, वॉर शुरू होने से पहले उसका थोड़ा होमवर्क या बैकग्राउंड वो तो रहता है ना। जब हमें पता है कि वॉर हो सकता है और उस तरीके से हमारा जो है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि अटेंशन वो शिफ्ट हो जाएगा, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो जो हमारी कंज्यूमर गुड्स हैं वहाँ से शिफ्ट होके वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जो है, हैवी इंडस्ट्रीज उनकी तरफ हो जाएगा। तो सेकंड 5-year प्लान के केस में ये होना शुरू हो गया था, ठीक है, समझ पा रहे हो आप सभी। थर्ड में तो हमने बिल्कुल लॉन्च ही कर दिया था, ये थर्ड में तो कंज्यूमर गुड्स जो है बिल्कुल ही नील हो गई थी, फिर तब जाके हमने 1966 के दौरान जो है, बाद में जाके हम ये हुआ था कि हमें अब जो है किस तरीके से काम करना चाहिए, हमें कंज्यूमर गुड्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ सेइंग फ्रॉम द सेकंड 5-year प्लान देयर वाज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। तो दिस स्टेटमेंट इज, बताइए इट्स करेक्ट। हमने इतना एक्सप्लेनेशन किया है उसके बेसिस पे इट्स करेक्ट। नेक्स्ट द फोर्थ 5-year प्लान, द टाइम पीरियड इज 1969 to 1974, अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। अभी हमें नहीं पता, थोड़ा रखते हैं इसको साइड में, हमें वन का तो पता है, वन इज करेक्ट, तो आंसर क्या होगा, ईदर ए और डी, बी और सी तो नहीं होंगे। हम किस कंडीशन में आ जाते हैं, हम आ जाते हैं 50-50 कंडीशन। थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग इन द फिफ्थ 5-year प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम
द फाइनेंशियल सेक्टर वॉज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान. सो जो स्टेटमेंट है दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि थर्ड इन द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, मैं आपको बता दूं कि फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के दौरान हमने एक स्लोगन दिया था, दैट वाज गरीबी हटाओ. ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा ध्यान जो है वो पॉवर्टी रिडक्शन मेजर्स की तरफ ज़्यादा था. उस टाइम पे ये नहीं था कि हमने फाइनेंशियल सेक्टर को अभी इंक्लूड करना शुरू किया है, उससे बहुत पहले से फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो इंक्लूड होते आए हैं. अब मैं आपको बता दूं कि 1969 में हमने 14 जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे उनको नेशनलाइज किया था, उनके ऊपर ध्यान दिया था. ठीक है, तो उस टाइम पर अब मुझे बताइए वो टाइम पीरियड कौन सा था. ये प्लान होलीडे, यहाँ पर इस वाले टाइम पीरियड में 3 प्लान निकाले गए थे, 1-1 ईयर के शॉर्ट टर्म प्लान, 5 ईयर प्लान नहीं थे. उस टाइम पर हमने बैंक्स को भी नेशनलाइज किया था. ठीक है, तो तब हम कर चुके थे उनको इंक्लूड, ये अब फर्स्ट टाइम नहीं था. इसी बेसिस पर ये जो स्टेटमेंट है दैट इज़ इनकरेक्ट. सो हमारा आंसर हो जाता है A 1 and 2 ओनली. ठीक है, सो सीम्स टू बी ईजी, बट भाई मैं बोल रही हूँ एग्ज़ाम हॉल में आपका जो दिमाग है वो छुट्टी पर निकल जाता है. अब उसको छुट्टी पर नहीं भेजना है, वो कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे. प्रैक्टिस करोगे तो वो छुट्टी पर नहीं जाएगा, वो काम करेगा. ठीक है, सो आंसर हमारा हो जाता है A 1 and 2 ओनली. ये आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हो. ठीक है, मैंने जो समझाने का था वो अच्छे से समझा दिया है, बाकी जो है फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह करना पड़ेगा. नेक्स्ट इट इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017. सो एक्ट, स्कीम, रिपोर्ट, तीन चीज़ें तो अब यहाँ से निकल आई है. इट इज सेइंग प्रेग्नेंट वेमेन दे आर इंटाइटल्ड फॉर 3 month प्री डिलीवरी एंड 3 month पोस्ट डिलीवरी पेड लीव. ठीक है, नेक्स्ट इट इज सेइंग एंटरप्राइजेस विद क्रेचेस दे मस्ट अलाउ मदर मिनिमम 6 क्रेच विजिट्स डेली. नेक्स्ट इज सेइंग वेमेन विद 2 चिल्ड्रन दे गेट रिड्यूस इंटाइटलमेंट. लेट मी टेल यू, सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज अंडर द एक्ट इट इज मैंशन दैट, मैंने क्या बोला था, स्कीम्स और एक्ट्स के क्या करने हैं, फीचर्स. फीचर्स में भी मेन हाईलाइटेड प्रोविजंस. सो एक्ट में ये मेंशन था कि 6 विजिट नहीं होंगी, 4 विजिट होंगी. तो सेकंड स्टेटमेंट होता है क्या, इनकरेक्ट. आंसर आ गया क्या, सी 3 ओनली. ठीक है, सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज कि उनको 3 month का प्री डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी इस तरीके से नहीं है. अर्लियर इट वॉज लाइक 24 week, फिर इसको एक्सटेंड करके 26 week कर दिया था. थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है बिकॉज जो लाइक बिकॉज हमारा पॉपुलेशन जो है वो ग्रोइंग स्टेज में है, तो टू डिस्करेज दैट वन आस्पेक्ट, एंड क्योंकि रिप्लेसमेंट रेट जो है दैट इज ऑल्सो 2.1%. सो उसके अकॉर्डिंग भी ये बोला गया था कि फॉर 2 child तो ये जो बेनिफिट होगा ये इंटैक्ट रहेगा, आफ्टर दैट ये जो है रिड्यूस्ड इंटाइटलमेंट होगा, उतना ही बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो वो डिस्करेजमेंट के लिए जो है ये प्रोविजन रखा गया था. सो द आंसर इज सी 3 ओनली. ये देखिए, तो इन केस ऑफ वुमेन इफ दे आर हैविंग 2 or more children द मैटरनिटी विल कंटिन्यू टू बी 12 weeks, इफ लेस देन 2 children देन शी विल गेट 26 week. ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम में अर्लियर इट वॉज 24, देन इट इंक्रीज टू 26 week. अब अगर 2 child से ज़्यादा है तो रिड्यूस इंटाइटलमेंट होगा 12 weeks. ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को. ठीक है, ऐसे ही उनको जो भी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर 50 और मोर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंगेज्ड हैं, तो उस केस में
उस ऑफिसेज को क्रैचेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, और उसमें भी डेली जो है 4 विजिट्स जो हैं, 4 विजिट्स जो हैं वो इन अ डे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है, सो उसी के बेसिस पे हमारा आंसर आ गया था 3 ओनली। सो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते जाइए, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप जो है आपकी जो लर्निंग है वो इन्हेंस होती रहेगी। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर टाइम।